बलरामपुर नगर पालिका परिषद की भाजपा प्रत्याशी लीना सिंघल की एक सभा का आयोजन डॉक्टर प्रीति बिश्नोई के निवास पर किया गया। इस मौके पर लीना सिंघल का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। वही भाजपा प्रत्याशी लीना सिंघल के संबोधन में डॉक्टर प्रीति बिश्नोई ने बताया, नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव की प्रत्याशी श्रीमती लीना सिंघल जी हमारे मध्य की समान विचारों वाली महिला हैं, वो भी एक घरेलू महिला है और बहुत ज्यादा हम लोगों से रूबरू होकर रहती हैं। ये नहीं कि वो पालिका अध्यक्ष बन गई तो उनको एक पद मिल गया, हमसे दूर हो गई, ऐसा उनके साथ नहीं है। बहुत बड़ा शैक्षिक संस्थान चलाती हैं, समाज में प्रत्येक स्तर के लोगों की भावनाओं और आवश्यकताओं से भलीभांति परिचित हैं। पूर्व में पालिका अध्यक्ष रह चुकी हैं, विकास कार्य कराने का अनुभव रखती हैं, अतः हम सभी को अपना वोट और सपोर्ट देकर लीना जी को ही विजयी बनाना है। वही डॉक्टर श्वेता गोयल ने बताया, ये मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो इनके परिवार की सदस्य हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा चाहती हूँ ये जीतें। एक चीज है कि हम लोग सेना तो है नहीं कि हम बॉर्डर पे जाके अपने देश के लिए लड़ सकते हैं। हमने एक व्यक्ति जैसे चुना था 2014 में मोदी जी और एक योगी जी, जैसा कि कहा कि उनके आगे पीछे कोई नहीं है, फिर भी वो हमारे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए अगर वो लड़ रहे हैं, हमारी सेना लड़ रही है, तो हम एक आम नागरिक होकर के इतना तो कर ही सकते हैं कि जो बहुत अच्छा हमारे देश के लिए कर रहा है हम उसे वोट दें। हमारा वोट लीना दीदी को तो जाएगा ही, लेकिन अगर कहते हैं ना पहले अपना घर बनाओ, फिर जिला बनाओ, फिर प्रदेश बनाओ, फिर देश बनाओ, तो पहले हम अपना जिला बनाएं, अपना नगर बनाएं, उसके बाद ही हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो ये एक हमारा छोटा सा योगदान है कि मोदी जी के राह में जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम भी अपने नगर से चुन करके भेजें। वही लीना सिंघल ने अपने संबोधन में कहा, मीना अग्रवाल जी, संगीता अग्रवाल जी और सभी मेंबर्स हैं, पिंकी भाभी, ज्योति भाभी हमारे बीच है, मैं उनका सबसे पहले थैंक्स बोलूंगी जिन्होंने हमारे बीच आकर हम सब मेंबर्स को बहुत मोटिवेट किया है और उनकी उपस्थिति ये दर्शाती है कि आज भारतीय जनता पार्टी सब एक है और एक मंच पर होकर आगामी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मैं बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ये मौका दिया है दूसरी बार, पहले भी मैं चेयरमैन रह चुकी हूँ नगर पालिका से और दूसरी बार ये मौका मिला है। तो चूंकि मैं पूरे मेरा जो भी कार्यकाल पहले बीता है तो एक व्यक्तिगत दाता है सब परिवारों में, सबके सुख दुख में साथ रही हूँ और सबके साथ मिलजुल कर ही मैंने काम किया। ईश्वर की तरफ से भी ये मेरी तरफ को सौभाग्य है मेरा कि दोबारा से ये मौका मिला, तो भविष्य में मुझे दोबारा काम करने का मौका मिले तो इसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले 4 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा कमल के फूल पे मोहर लगाना, जैसे जितने भी हमारे लोग संपर्क के लोग हैं उन सबसे कॉन्टैक्ट करना, उन सबको समझाना, क्योंकि हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी भ्रम में हो, क्योंकि विरोधियों के अलावा जो आज विपक्षी पार्टियां हैं वो आप सबको मालूम है कि प्रदेश में किस तरीके का माहौल चल रहा है। सब लोग या तो आतंकवादी वाली को सपोर्ट करने वाली पार्टियां, माफियाओं को सपोर्ट करने वाली पार्टियां हैं, या माफियाओं से जुड़े हुए लोग हैं, या अपने बाहुबली लोग हैं जो समाज में एक भयावह वातावरण बना रहे हैं। तो हमें हम लोगों को तय करना है कि हमें कैसा वातावरण अपने नगर में चाहिए। इस मौके पर डॉक्टर एकता बिश्नोई, मनमीत कौर, ज्योति राणा, रेणु अग्रवाल, मीना अग्रवाल, ज्योति ग्रोवर, संगीता गोयल, डॉक्टर श्वेता गोयल, नंदनी बिश्नोई, बबीता, पूनम, मीनाक्षी, मनिता आदि महिलाएं मौजूद रही। धामपुर से साकिब शेख की रिपोर्ट।